जखमड़ चमोदे ग्रां पलाई दे विच अज अचानक अग लगने कन्ने कई एकड़ गेहूं की फसल जड़ी है वो जली है, तबाह हो गई है। अग लगने का कोई पता चली नहीं सकिया, लेकिन अज अचानक अग लगी जिहदी वजह कन्ने गेहूं की फसल लगी दी जिहड़ी कई एकड़ च फैली दी ही। अग ने आस्ते आस्ते इन्ना कै भयानक रूप ले लिया जिहदी वजह कन्ने सारी फसल जिहड़ी है जली है, राख हो गई है। स्थानीय लोकां जिहड़ा है इसी बुझाने का प्रयास भी किया, लेकिन अग इन्नी भयानक ही कि स्थानीय लोग भी इस अग पर काबू नहीं पाई सके। मौके पर गै फायर ब्रिगेड की फोन भी किया गया, लेकिन जिसले कि फायर ब्रिगेड पुजी उसले तक जलिया सुआह हो गया हा, लेकिन लागे गै नाड़ भी है और इं लगा करता कि जिस तरीके हवा चला करती है और भी कई लगी दी कई एकड़ गेहूं की फसल भी जली है, तबाह हो सकती है। लेकिन मौके पर जियां कि फायर ब्रिगेड की गड्डी पुजी तो स्थानीय लोगों के सहयोग कन्ने अग पर काबू पाने का प्रयास किया गया और आखिरकार जिहड़ा है अग बुझाने च सफलता प्राप्त जिहड़ी है वो हुई है। लेकिन उत्थे जिहड़े किसान हे वो काफ़ी हताश हे, निराश हे, रोआ करते हे कि छे महीने की फसल जिहड़ी है वो अज जिहड़ी जली है खाक हो गई है। उन्हें प्रशासन अगर मुआवजे की मांग भी की है। जिस तरीके तुम दिखा करते हो कि फायर ब्रिगेड के कर्मी जड़े हे अग बुझाने का प्रयास करा करते हैं, लेकिन इसलिए सारे की सचेत होने की जरूरत है क्योंकि हाले गर्मियां पवा कर और लोगों दिन फसल बढ़वा कर दी जिहड़ा आंधी तूफान चला करता है। जिसकी वजह कहने लगता है कि जिस तरीके तारा जितनी भी बिजली दारा निकली दी वे शॉर्ट सर्कट भी हो अग जी है वह पी सकती है। इस गलों तुम सावधानी वरतो तो ध्यान रखो कि कोई भी जी उपरा तार निकली दी है वह ध्यान भी रखो। तो आओ सुनचै किसानों का क्या गलाना हाँ जिंदी बेचारे की गेहूं की फसल जी है वो फकोई है। फिर गड्डी ने थोड़ा बहुत साड़ी लिया काम। फिर फायर ब्रिगेड कीता फोन दी फिर फोन कीता फिर आई गड्डी पर उसले माए नुकसान बड़ा होई गया। किन्ना नुकसान होई गया? कोई 15 कमा फकोई दी नुकसान होई गया। फायर ब्रिगेड जलाई कणक फिर भी काबू पा लिया।